लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली प्रस्तावित रैली को भव्य बनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसको लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें कार्यकर्ताओं को ज्यादा भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली में 1 लाख से अधिक भीड़ जुटने का लक्ष्य बनाया है। आपको बता दें, लालकुआं के हल्दीचौड़ स्थित बैंकेट हॉल में नैनीताल भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित रैली की तैयारियों को लेकर फीडबैक कार्यकर्ताओं से लिया गया। साथ ही रैली के ऐतिहासिक बनने की पूरी क्षमता के साथ जुटने के निर्देश दिए हैं। वहीं रैली में भाजपा पदाधिकारियों ने 1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया है। बैठक में नैनीताल जिले के सभी संगठन नेताओं और लालकुआं विधानसभा के पदाधिकारियों को रैली की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें तय हुआ है कि रैली में हर बूथ से लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। वहीं इस मौके पर भाजपा वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार नैनीताल जिले में आ रहे हैं, उनका यहां ऐतिहासिक महारैली होगी। उन्होंने कहा, रैली को लेकर जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश के ही नहीं विश्व के बड़े नेता हैं, जिनकी रैली को लेकर न सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता बल्कि आम जनता भी उत्साह। उन्होंने कहा कि इसके पीछे भाजपा और प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के विकास के लिए किए जा रहे ऐतिहासिक विकास कार्य हैं और प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से जमीनी लगाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। उनके नाम से ही लोग, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो 1 लाख की भीड़ को मान करके चल रहे हैं, लेकिन हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि भीड़ बढ़ेगी, 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था भी हमें बना कर रखनी होगी। क्योंकि हर मामले में नरेंद्र मोदी चूँकि देश के नहीं इस दुनिया के नेता बन गए हैं, हर आदमी की इच्छा है उनसे के विचार सुने, उनकी बातों को सुने। वो देश को इतनी आसानी से कैसे चला रहे हैं इतनी साधारण रहन सहन के बाद, ये सब भी देखने की एक बहुत बड़ी बात होगी। बैठक में क्या क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं पदाधिकारियों दायित्व? बैठक में ये भारिंता पार्टी का संगठन है, भारिंता पार्टी संगठन शुरू से ही उसी हिसाब से चलता है और आज तो आधुनिक समय है, आधुनिक समय में हमारा संगठन भी बहुत आधुनिक हो गया है और सब हर आदमी की एक जिम्मेदारी दी जाती है, जिससे कि किस तरह की अव्यवस्था ना हो। जो आपने देखा होगा आदरणीय मोदी साहब की रैली में 5-5, 7-7, 10-10 लाख लोग आते हैं, लेकिन किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होती है। यही हमारे संगठन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नंबर एक नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सब लोगों के बीच में आ रहे हैं। संभावित 30 तारीख को गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम में वो हम सब उत्तराखंड वासियों को और विशेषकर हम सब लोगों को अपना मार्गदर्शन देंगे, इस उत्तराखंड की जनता के बीच में अपना संवाद करेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, लंबे समय से हम सोचते थे कब हमारे ज़िले में आएंगे, नैनीताल ज़िले में आ रहे हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र गोलापार में आ रहे हैं। इसे जहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं जनता में भारी उत्साह है। जनता लगातार पूछ रही है कि कब नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उनका कार्यक्रम क्या है, कितनी दूर है, कैसे पहुंचेंगे। तो यह सब देखकर लगता है वास्तविकता में जो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है और जो उत्तराखंड की जनता है वो मोदी जी के साथ है। उसी की तैयारी बैठक के लिए हम यहाँ पर योजना बनाने के लिए बैठे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, क्षेत्र में भारी उत्साह है। मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक सभा नैनीताल ज़िले में होने जा रही है। कुमाऊं मंडल को कोई स्वरूप देके जाएंगे? निश्चित तौर पर जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं और वो उत्तराखंड नहीं भी आए, तब भी लगातार उत्तराखंड के प्रति उनका जो भाव है, जो उनका प्रेम है, वो